गुरु की साजी नवाजी, ममता मई प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलना जी धन्यकार। आओ प्यारी सास संगत जी, इसकी तो रहम व करम संत भक्तों पे बरसती रहती है। प्यारे संतों, हम हर समय इस परमात्मा की ओट लिया करें, क्योंकि ये हमारी पल पल रक्षा करता है, पल पल इमदाद करता है, पल पल मदद करता है। आओ प्यारी सास संगत जी, आज का दास अपने जीवन का किस्सा बताएगा। प्यारी सास संगत जी, सन 2008 का समय था। सन 2008 में दास की मैरिज हुई थी, दास की शादी हुई थी। तो प्यारी सास संगत जी, उसी समय एक समागम मुरादाबाद में और हुआ था, रेलवे स्टेडियम के मैदान में, मुरादाबाद रेलवे स्टेडियम के मैदान में हुआ था। प्यारी सास संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए हुए थे। दास, दास की बहन और दास की माँ उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद गए। प्यारी सास संगत जी, शादी हुई थी, धर्मपत्नी को घर पर छोड़ दिया, पिताजी को घर पर छोड़ दिया और इत्यादि व्यक्ति घर पर ही रहे। तो प्यारी सास संगत जी, वहाँ जो है हमारी जो बौद्ध धर्म पत्नी जो थी, तो वो ऑलरेडी पहले वो मिशन से नहीं जुड़ी हुई थी। तो प्यारी सास संगत जी, होता क्या है, लगभग रात्रि के जो है वो 12 बजे थे, और 12 बजे के उपरांत उसने ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि जाड़े का समय था, और उस जाड़े के समय में कि दरवाजे के अंदर कोई इस तरीके से प्रकट होना। और प्यारी सास संगत जी, उस तरीके से वो जो आकृति थी, वो जो अटैक करने वाली, एक कह सकते हैं कि कोई प्रेत था प्यारी सास संगत जी। तो वो जो लेडी रूप में थी, पूरी छम छम पूरे पहनावे में थी, और दरवाजे में से प्रकट होकर के, और उनके क्या करती है, उनके गले को पकड़ लेती है, दोनों हाथों से गला पकड़ने की वो कोशिश करती है, गले को टच करने की, उसका भयावह रूप था। पत्नी डर गई कि ये आफत क्या है। आओ प्यारी सास संगत जी, यकीन मानना, तभी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, जैसे ही बाबा जी प्रकट हुए उस कमरे के अंदर, आओ प्यारी सास संगत जी, वो जो थी, जो प्रेत आत्मा थी, वो जो एक बला थी, वो पूरी तरीके, जिस तरीके से भागी, जैसे सिपाही को देख करके चोर भाग जाता है प्यारी सास संगत जी, वो दरवाजे में से फुल स्पीड के साथ भाग गई, निकल गई। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा घबराए मत, बेटी तू अब आराम से सो, ये तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, जब दास रिटर्न हुआ तो उन्होंने ये घटना हमें बताई कि इस तरीके से हमारे साथ हुआ, इस तरीके से एक नारी रूप में छमछमाती हुई पूरी तरीके से पहने हुए थी, और उसने मेरे ऊपर आकर अटैक किया। लेकिन तभी ये जो तस्वीर है ना जी, ये तस्वीर कहती है, ये जो तस्वीर है, तो ये तस्वीर जैसी बाबा जी प्रकट हुए हैं, बाबा जी आ गए अचानक और उन्हें देख करके वो बहुत तेजी से भाग गई। आओ प्यारी सास संगत जी, ये सदगुरु जो है अपने भक्ति की पल पल रक्षा करता है। आओ प्यारी सास संगत जी, बस कारण क्या है, हमें जो विश्वास नहीं होता, हम पूरी तरीके से इस पे विश्वास नहीं करते। आओ प्यारी सास संगत जी, दास ने जब ये सुना कि सदगुरु ने ऐसी मेहरबानी की, आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं कि जिते जिते इसका अनुयायी जाता है, इस पे विश्वास करता है, तो ये पूरी तरीके से उस घर की रक्षा करता है, उन घर के सदस्यों की रक्षा करता है। आओ प्यारी सास संगत जी, जीते जी करामात दिखाए। तो दास की धर्म पत्नी ने भी आज जो ज्ञान ले लिया, आज जो आप जी के चरणों में लग गई। आओ प्यारी सास संगत जी, तो कहने का तात्पर्य, ये सदगुरु सच्चा है, ये ज्ञान सच्चा है, ये निरंकार सच्चा है, महापुरुषों के दर्शन सच्चे हैं, हमारी पल पल मदद करने के लिए महापुरुष तैयार हैं, हमारी पल पल मदद करने के लिए ये निरंकार तैयार है, ये सदगुरु सच्चा पातशाह तैयार है। आओ प्यारी सास संगत जी, बस घबराना नहीं है, अपने जीवन की बागडोर इसे सौंप देनी है, और इसमें भक्ति में का आनंद लेते हुए जीवन को यापन करना है। आओ प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलेंगे धन्यकार जी।